रोहित नाम तो मॉडर्न ही है ना? नाम मॉडर्न है तो क्या शादी कर लूँ उसे? पागल, बिना सोचे समझे पापा ने मेरी शादी उसके साथ तय कर दी। कहीं से उसका फोन नंबर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर ही क्यों, डायरेक्ट ही दिखा देती हूँ ना। कैसे? ऐसे। अरे वाह, एकदम हीरो लग रहे हो। तुम्हारे पापा इतने प्यार से बात कर रहे हैं तो वही रोहित होगा। सुनो, उसे दमाजी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक नहीं है। रुकिए ससुर जी, आपके लिए एक अच्छी ड्रेस लेके आता हूँ। क्या बात है, मुझे चोरी से देखकर ही पसंद कर लिया? आपको कैसे पता चल गया? बताया किसी ने। तो तुम क्या मुझसे शादी कर लोगे? मतलब ऐसे अचानक? और तुम्हें क्या लगता है, मैं भी शादी कर लूंगी? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? ठीक ही कहा है, लेकिन तुम्हें कटरीना कैफ पता है? सुपर आइटम है। हाँ? लेकिन आपसे अच्छी नहीं है। कटरीना कैफ तुम्हें जानती है? अरे वो मुझे कैसे जानेगी? यही इम्पोर्टेंट है, यही पॉइंट है। तुम मुझे पसंद करो ये काफी नहीं है, मेरा भी तुम्हें लाइक करना इम्पोर्टेंट है। करेक्ट कहा आपने। इस एंजेलिना को अगर लाइक करना है तो हाइट होना सिर्फ काफी नहीं है, और भी क्वालिटीज होनी चाहिए। वैसे भाई को पटा लेना शायद आसान होगा, पर भाई की बेटी को नहीं। हा? भाई की बेटी, ये कैसा ट्विस्ट है? वैसे नाम क्या बताया? जी नाम, हाँ रोहित। हाँ। मेरे पापा तुम्हें बहुत पसंद करने लगे हैं, अभी देखा मैंने। मेरे पापा तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम मल्टी मिलियनेयर हो, लेकिन मुझे तुम्हें पसंद करना है तो तुम्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। टेस्ट? हाँ, अगर उनमें तुम फेल हो गए तो तुम्हें मेरे पापा के पास जाकर कुछ भी बताकर इस शादी को कैंसिल करवाना होगा। अगर नहीं किया तो सुहाग रात की रात को ही जहर देकर मार डालूंगी। गॉट इट? मेरा नंबर है, कॉल करूंगी तो फर्स्ट रिंग में ही उठा लेना। उठा लूंगा। दो मिनट में मेरे सामने आ जाना। आ जाऊंगा। मैंने ससुर जी को भाई बनाया, भगवान भाई को ही मेरा ससुर बनाना चाहता है। अंजलि जी, आप पीछे से देखने पर भी बहुत सुंदर लगती हैं। क्या बात है, हैदराबाद मुझे सब कुछ दे रहा है। वाह, देखने में इतना स्मार्ट है, फिर ये टेस्ट किस लिए? मैं होती तो आंखें बंद करके शादी कर लेती। शट अप, टेस्ट ड्राइव के बिना मैं कार नहीं एक्सेप्ट करती तो होने वाले पति को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। हाय अंजलि जी, हाय गर्ल्स। हाय। सॉरी यार, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था। ट्रैफिक्स? ट्रैफिक सुना है, ये ट्रैफिक्स क्या है? साहब जी, आप इंग्लिश में जोक मार रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आएगा। आपका मतलब टू मच ट्रैफिक है ना? यस यस यस, ट्रैफिक। वैसे आपको थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ओहो, उसके साथ साथ थोड़ा टाइम सेंस भी होना चाहिए। करेक्ट। वैसे ये तुम्हारा ड्राइवर है ना, ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? ये सिर्फ ड्राइवर नहीं है, मेरा चाइल्डिश फ्रेंड है। चाइल्डिश फ्रेंड? फिर से इंग्लिश जोक ना? हाँ वही वही, चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, मतलब बचपन से एक ही डिश में खाकर बड़े हुए हैं, इसीलिए चाइल्डिश चाइल्डिश। वाह, व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। बैड जोक। आओ, तुम्हें पानी पूरी खानी है। पानी पूरी मतलब? पानी पूरी क्या होता है तुम्हें नहीं पता है? पानी पता है, पूरी पता है, लेकिन दोनों मिलाकर क्या होता है पता नहीं। कैसे पता चलेगा साहब जी, आप तो फॉरेन में पले हुए हैं ना। यस यस। वैसे टेस्ट के लिए बुला कर ये खाना पीना क्या रखा है? हमारा टेस्ट मिलना भी एक टेस्ट है। मुझे इस तरह की सिंपल चीजें बहुत पसंद है, खाओगे या नहीं ये बताओ। खा लेते हैं। ये है पूरी। पूरी तो बड़ी होती है ना, तो ये छोटी क्यों है? लो बजट में बनाइए क्या? पानी पूरी में ऐसी ही पूरी बनती है। हाउ नाइस ना यार, हाउ क्यूट इट इज। इट इज सो फनी साहब जी। सुनो, ये तुम्हें खाना है। बस ये तो सिंपल है। वेट, तुम्हें पांच चांसेस दे रही हूँ। पानी पूरी से एक भी बूंद नीचे नहीं गिराए बिना खाना होगा, कम से कम एक खाना होगा। स्टार्ट। ठीक है। इतने पोल्यूशन में आप पानी पूरी खाएंगे? इट इज नेसेसिटी। पोल्यूशन से ज्यादा मेरी शादी का सॉल्यूशन जरूरी है। आई वर्शिप यू साहब जी। बहुत मुश्किल है यार। क्या एक्टिंग करते हो बेटा? बहुत सेंसिटिव है अंजलि जी। फंसी गई बेचारी। साहब जी, शायद चांसेस खत्म हो रहे हैं। हो गया शुरू। अंजलि जी, पास हो गया ना, शादी कंफर्म है ना? ये क्या, एक ही टेस्ट के बाद शादी कर लूंगी क्या? तो क्या पानी पूरी युद्ध करना होगा? नहीं, कब। What is this green balls? ये balls नहीं है साहब जी, तरबूज है, मतलब watermelons. Watermelons? Watermelons तो लाल होते हैं ना यार। बाहर से हरे होते हैं मगर अंदर से लाल होते हैं। अच्छा, wow,
इट्स रेड इनसाइड गिरी, व्हाट अ वंडर यार। नेचर है सर। बेचारा तरबूज क्या होता है इसे ये भी नहीं पता। तो अब मुझे क्या करना है अंजलि जी? बस एक पीस खाना होगा, 3 chances। लाल रंग दिखना नहीं चाहिए और ना ही टुकड़ा नीचे गिरना चाहिए। स्टार्ट। बहुत मुश्किल है अंजलि जी, नीचे गिर जाएगा शायद। मेरे सारे टेस्ट ऐसे ही होते हैं। गिरी, मैंने तो खा लिया। इट्स लाइक अ हाफ मून यार। इट्स ब्यूटीफुल साहब जी। गुड, तुम इसमें भी पास हो गए। थैंक्स। नेक्स्ट टेस्ट। उफ़। ऑटो। हेलो। शिट, आई कांट बिलीव दिस। व्हाट हैपेंड साहब जी? इसके तो 3 ही व्हील्स है यार, फोर्थ व्हील कहाँ है? वो क्या है, ऑटो 3 व्हील्स के होते हैं साहब जी। तो फिर बैलेंस कैसे होता है यार? मतलब आपने कभी ऑटो नहीं देखा है क्या? ऑटोमेटिक कार के अलावा इन्हें ऑटो के बारे में कुछ नहीं पता। इट्स पुअर पीपल व्हीकल। अच्छा, स्कूटर को टेंट बांध दिया ऐसा लग रहा है। चुप करो, तुम्हें मेरा ऑटो अजीब लग रहा है, मुझे तुम्हारी बातें अजीब लग रही हैं। अब चलते हैं। चलो साहब जी। आप ए, तू यहीं रुक, तुम आगे बैठो। वाओ, व्हाट अ ब्रीज, हवा आने के लिए डोर्स निकाल दिए है क्या? सामने देख। ऑटो तुमने देखा नहीं था तो फिर स्टार्ट कैसे किया? वो पैरों पर अटक रहा था तो उठाकर बाहर फेंकने के लिए खींचा, अपने आप स्टार्ट हो गया। माय गॉड, ऐसे स्टार्ट करते हैं क्या? इतनी बड़ी की? मतलब तुम्हें ऑटो के बारे में सचमुच नहीं पता? तुम गाड़ी चलाओ। अरे वाह, सेफली ले आया। कितना हुआ? 100 रुपया। सीट का 10 रुपया लगता है ना। तुम शेयर ऑटो वाले हो क्या? पता लगा लिया तुमने? नहीं, कंफर्म किया मैंने, डाउट था। भाई, ये चालाकी मुझ पर लगाने की बजाय अपने काम पर लगाई होती तो आज बेंस कार में घूम रहे होते। बेचारे ऑटो पे अटक गए। पेमेंट कर दो। ऐसे ही तुम लोग पैसे वाली लड़कियों को फांसते हो ना? उसके बारे में नहीं जानता, पता चलेगा तो फट जाएगी तेरी। बात करता है। My God, इतने सारे लोग यहाँ कैसे और ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? झगड़ा नहीं कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। खरीदने के लिए झगड़ा करना होता है क्या? This is a bazaar. तुम्हें जाकर उस कोने की सलीम बैंगल शॉप से 4 dozens बैंगल लानी है। बस इतना ही? नहीं, यहाँ वापस आने तक एक भी चूड़ी टूटी तो तुम फेल समझो। बैंगल्स मांगे यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये बैंक किस लिए? ये क्या है यार, हम लोग खुद इस भीड़ में नहीं जा सकते। इम्पॉसिबल है ना यार, इस अंजलि को भी इम्प्रेस करना इम्पॉसिबल है। स्टार्ट। साहब जी, कहीं फिसल मत जाना साहब जी। नहीं फिसलूंगा, इन्हें सेटिस्फाई करने के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। साहब जी, हटो 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 भाई, हटो बेंच, हटो 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 हटो, अरे साइड को यार, साइड को, हटो हटो हटो। इसकी तो ऐसे भाग रहा हो जैसे ब्लैक टिकट लेनी हो। ए बुलबुल, रात को घर आ जा, बिरयानी खाकर कुकड़ू करेंगे। थू, बेशरम। ए भाई, दुकान के सामने क्या गड़बड़ कर रहा है भाई? तेरे को क्या है भाई, चटक। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ना कह दो, क्यों बेचारे को ऐसे परेशान कर रही हो? माय गुडनेस, वहां तो देखो। अब तो शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। ये हर बार जीत कर मेरे ईगो को ठेस पहुंचा रहा है। नमस्ते सर, वेलकम। थैंक्स। अंदर सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं सर। राइट राइट। इंग्लिश भी बोलने लगा ये तो। वाह, थैंक यू सो मच। इतनी जल्दी? अभी तो बहुत है। गिफ्ट। गिफ्ट क्यों? शादी पर यही कपड़े पहनकर जाना। बहुत सरप्राइजेस दे रहे हो, थैंक यू। Daniel and Catherine, will you honor each other as man and wife for the rest of your lives? I will. Daniel, do you accept Catherine as your wife? Yes, I do. Catherine, do you accept Daniel as your husband? Catherine, Catherine. Catherine.
मुझे मत कहो, इन्हें कहो इनकी वजह से आई हूँ। आपकी शादी है बताया, तो मैं क्या गिफ्ट दूँ ये सोच रहा था, तो आपकी फ्रेंड को ही गिफ्ट मिले आया। This is the best gift of my life, you know? Happy married life. कैथरीन की शादी में गई थी क्या? हाँ गई थी। गई थी? हाँ। वहाँ से यहाँ कैसे? वो वहाँ भी लेकर गए थे और यहाँ भी लेकर आए। थैंक यू। कांग्रेट्स। आपने मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, पता है कौन है ये? मेरे वुड बी। Welcome. तुम यहाँ क्यों आए हो? हमने बुलाया इसे। अंजलि, तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी लेकिन हमें नहीं है। इसके बाद भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग चले जाते हैं। रहने दो, just stay away from here. अब मैंने तुम्हारी गर्दन थोड़ी पकड़ रखी है। Shut up. ओहो, अब चुप करो, चलो चलते हैं। बाप रे, इतना ऊंचा मेरे बस की बात नहीं है। अरे ये तो कोई भी कर लेगा यार। ठीक है, पहले मैं करती हूँ फिर तुम लोग करना, ओके? अंजलि, अंजलि प्लीज, अंजलि संभल के। अंजलि संभल कर प्लीज, अंजलि संभल के। इट्स ओके। होल्ड ऑन, रोप इज नॉट टाइट। अंजलि, Thank God. Mad? You might have died. मरा तो नहीं ना? Thank you, Sinu. लेकिन बिना सेफ्टी के आप ऐसे कैसे कूद गए? उस पल मैंने अपने बारे में नहीं सोचा था, अंजलि के बारे में सोचा था। अगर वो चली जाती तो मैं अकेला रहकर क्या करता? प्यार को नफरत में बदलने की कोशिशें करती आई हूँ, तुमसे नफरत करने लगी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। I love you, सीनू। अंजलि, ये तो सच है ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मतलब ये बाबा के लोग और ये नकली शादी अगर झूठ है ये पता चला तो फिर से? इन सब बातों को तो भूल जाओ, बस तुम्हारा प्यार सच्चा है ये मुझे समझ में आ गया है। तब तो वो सब मेरा ही नाटक है। What? और क्या, कोई उल्लू का पट्टा आकर शादी कर लेगा तो मैं देखता खड़ा रहूं, इसलिए ये सब किया? बस इतना ही ना? या मेरे जानने के लिए और भी कुछ बाकी है? हाँ है ना, लेकिन मेरे बताने से अच्छा है कि तुम खुद ही जान जाओ। जरूरत नहीं है, तुम्हारे बारे में पता चल गया उतना ही काफी है, अब और मुझे कुछ भी नहीं जानना।